मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बीच में दोस्तों इस साल के वुमेन आईपीएल का पहला मैच खेले जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का पिच कैसा बिहेव करने वाला है। पिच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर खेले गए रीसेंट रिकॉर्ड को देखोगे ना, एक खास बात ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर खेले गए लास्ट के पांच मैच पे एवरेज स्कोर जो रहा है वो 81 रन का रहा है। वुमेन क्रिकेट की मैं बात कर, जिस पे टोटल 42 विकेट्स गिरे हैं और इन 42 विकेट्स में से 16 विकेट पेसर को और 26 विकेट स्पिनर को मिला। एक खास बात है दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जो पिच है ना दोस्तों, पहले ये पिच कैसी थी, पहले ये पिच होती थी बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच, बट रिसेंटली क्या हुआ है मालूम है, इस पिच पे ब्लैक सॉइल का यूज किया गया है। ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी, और आप लोगों को पता है जहां पर काली मिट्टी यूज होती है वहां पर स्पिन डोमिनेट करने लग जाता है और वहां पर रन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहां का जो वेन्यू है ना दोस्तों, कभी एकदम हाई स्कोरिंग मैच दिखेगा क्योंकि ग्राउंड छोटा है, कभी एकदम लो स्कोरिंग मैच दिखेगा, तो पिच रिपोर्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे। वुमेन आईपीएल पे अगर धमाका मचाना है ना तो टेलीग्राम ग्रुप से आज ही जुड़ जाओ। बाकी रीसेंट मैचेस जो यहां खेले गए हैं उनके अगर आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाऊं तो आप लोग समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों कहा। यहां देखो दोस्तों, 2016 पे मैचेस खेले गए थे, 153 रन बने थे 7 विकेट के नुकसान पे, बांग्लादेश की टीम 117 रन ही बना पाई थी। उसके बाद यहां देखो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में एकदम एक लो स्कोरिंग सा ही मैच रहा था। उसके बाद साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में भी देखोगे 114 रन तो 104 रन ही बने थे, मतलब लो स्कोरिंग मैच रहा है। जनरली यहां पर वुमेन्स के मैचेस लो स्कोरिंग साइड पे ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि कल पहला मैच है पिच कैसा बिहेव करने वाला है वो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक के थ्रू सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इस आईपीएल पे अगर आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो यूट्यूब के चैनल क्रिकेटोलॉजिक से जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी से दबा लो ताकि आगे आने वाले पूरे इस सीजन की वीडियोस कोई भी आप लोगों से मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस की टीम पे यास्तिका भाटिया और हेले मैथ्यूज ओपन करती है। नटालिया सिवर ब्रेंट फर्स्ट राउंड पोजीशन पे आती है, फिर हरमनप्रीत कौर आती है, फिर अमेलिया कर दिखेगी, उसके बाद अमनजोत कौर दिखेगी, फिर हिमेरिया काजी दिखती है, फिर पूजा वत्सरागर दिखेगी, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को शाइका ऋषभ दिखेगी, और बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को यहां पर या तो ईशी वोंग दिखेगी या आप लोगों को दिखेगी शबनम स्माइल। दोनों पेसर है, दोनों में से कोई एक खेलेगा। ये जो दिख रहा है ना ये, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉरनर्स वाले प्लेयर्स है, बाकी चिंतामणि कालिता आप लोगों को दिखेगी। दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं तो शिफाली वर्मा और मैकलेनिंग ओपन करेगी। फर्स्ट डाउन पोजीशन पर एलिस कैप्सी आती है, फिर मारजिना काप खेलती हुई दिखेगी, फिर जेमिमा रॉड्रिगस दिखती है, फिर आप लोगों को यहां पर एनाबेला सतरलैंड या जेस जोनासन में से कोई एक खेलेगा। तानिया भाटिया आप लोगों को विकेट कीपिंग करती हुई दिखेगी। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे मिन्नू मानिया आप लोगों को दिखेगी, बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे शिखा पांडे, टीतस साधु और राधा यादव आप लोगों को खेलते हुए दिखेगी। कुछ नए प्लेयर है जिन्हें आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन कुछ पंट प्लेयर है दोस्तों, कोई नहीं लेगा मुझे बताया ना उन प्लेयर्स को, लेकिन आप लेकर चलोगे अल्ट्रा क्लीन स्वीप करोगे, और मेगा ग्रैंड लीग भी एक प्लेयर जिता देता है वुमेन लीग्स पे, इसीलिए ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे आप सभी लोगों के लिए इस वुमेन आईपीएल पे दोस्तों। हर मैच पे 50,000 रुपीज का फ्री गिव अवे भी रहेगा, तो पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, गिव अवे पे पार्टिसिपेट करना है, और मैं चाहता हूं कि हर मैच पे आप लोग गिव अवे जीत कर जाओ। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों मुंबई वुमेन की टीम पे यास्तिका भाटिया दिखेगी। लास्ट के पांच मैच को देखोगे तो 17, 4, 9, 11, 12 वुमेन आईपीएल पे 10 मैच में 21 का एवरेज है, हेड टू हेड 3 मैच पे 15 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर अभी 44 का रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स पे आप लोगों को तानिया भाटिया दिखेगी,
बैटिंग नहीं, दो छह बैटिंग नहीं। बाकी वुमेन आईपीएल में 9 मैच पे 1 का ही एवरेज है, बेस्ट को 4 का ही है। आप लोग तानिया भाटिया को सीधा सीधा ड्रॉप करोगे, यहां पर आप लोगों के लिए एक ही चॉइस रहता है, यास्तिका भाटिया को ही आप लोगों ने लेकर चलना है, नो डाउट, नो डिफरेंशियल, नथिंग। अब आ जाओ अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल प्लेयर को कैसे बनाना है, कैसे टीम क्रिएट करना है, वीडियो के एंड पे मेगा ग्रैंड लीग्स के सारे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, कैसे किस प्लेयर को कहां पर चेंज करना है, किस सेक्शन पे कितने प्लेयर को लेना है, किसे कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुंबई वुमेन की टीम पे हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर और हिमेरिया काजी दिखेगी। हरमनप्रीत कौर रीसेंट फॉर्म खराब चल रहा है दोस्तों, खेले गए ये सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड है जो रीसेंट मैच खेलकर आ रखी है, 9-6 बैटिंग नहीं 6-3, लेकिन वुमेन आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, 10 मैच में 40 का एवरेज है, 50 3 बार बना चुकी है, हेड टू हेड 3 मैच में 35 का एवरेज है। अमनजोत कौर 4 डाउन पोजिशन पे 1-10 बैटिंग नहीं 4-17, बाकी 10 मैच में 8 का एवरेज है, अमनजोत कौर को आप लोगों ने ड्रॉप करना है। हिमेरिया काजी डोमेस्टिक मैचेस खेलकर आ रही है अभी अभी, 51-42, 3-9-0, 10 मैच में 4 का एवरेज है, हिमेरिया काजी को भी ड्रॉप करना है। एक सेकंड प्लेयर लिखो जिसे आप लोग टीम पर लेकर चलोगे, वो आप लोगों के लिए हरमनप्रीत कौर हो सकती है, बट ये क्या है, ये मेरी फिक्स प्लेयर नहीं है दोस्तों, ये प्लेयर मेरे लिए एक डिफरेंशियल प्लेयर है। कौन कौन से डिफरेंशियल प्लेयर है सब आप लोगों को बताऊंगा, ताकि एंड पे आप लोग एक परफेक्ट टीम बना पाओ। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो हरमनप्रीत कौर के आगे डिफरेंशियल टीम लिख लीजिएगा। शिफाली वर्मा ओपन करने आती है, बॉलिंग भी कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, रीसेंट फॉर्म 0-6, 1 मैच में 64, 1-26, बाकी वुमेन आईपीएल में 9 मैच में 31 का इनका एवरेज है, हेड टू हेड 3 मैच में 15 का एवरेज है, स्टार बना के डिफरेंशियल प्लेयर कीजिएगा। मैगलेनिंग की अगर मैं बात करूं, 48 बैटिंग नहीं 1-49-10, जबरदस्त प्लेयर है, वुमेन आईपीएल में 9 मैच में 49 का एवरेज है, हेड टू हेड 3 मैच में 55 का एवरेज है, फिक्स प्लेयर है दोस्तों, टीम पर लेकर ही चलना है। जमीमा रॉड्रिगस की अगर मैं बात करूं, थर्ड डाउन पोजीशन पे आती है, 30-29-6-13-2, बाकी 9 मैच में 25 का एवरेज है, हेड टू हेड 3 मैच में 17 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 25 का है, जमीमा रॉड्रिगस भी मेरी ड्रॉप प्लेयर रहेगी। मतलब क्या है बैटिंग वाला सेक्शन, मैगलेनिंग फिक्स है, बाकी हरमनप्रीत कौर और शिफाली वर्मा मेरे डिफरेंशियल चॉइस है, इन दोनों में से, क्योंकि ये मेरे डिफरेंशियल प्लेयर है, इन दोनों डिफरेंशियल प्लेयर में से मैं एक प्लेयर लेकर चलूंगा और मैगलेनिंग को मैं एज अ फिक्स प्लेयर अपनी टीम पर लेकर चलूंगा। सिंपल सा है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो टीम क्रिएट होगी अभी तक, विकेट कीपिंग सेक्शन फिक्स रह गया, एक टीम पे हरमनप्रीत कौर के साथ जाएंगे क्योंकि मैगलेनिंग फिक्स है, दूसरी टीम पे शिफाली वर्मा के साथ जाएंगे और मैगलेनिंग फिक्स रहेगी। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाला सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। अगर पिच पे काली मिट्टी रही और लो स्कोरिंग मैच रहा तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन तबाही लेकर आएगा दोस्तों, सारे प्लेयर यहीं से भर भर के आएंगे टीम पर, कैप्टन भी यहीं से आएगा, वाइस कैप्टन भी यहीं से आएगा और मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स भी यहीं से आएंगे। किस किस प्लेयर को लेना है ध्यान दो, हेले मैथ्यू जबरदस्त परफॉर्मेंस, 50 रन 1 विकेट, 48 रन 4 विकेट, 99 रन 1 विकेट, 132 रन 3 विकेट, 79 रन 1 विकेट, जो इन्होंने अपने रीसेंट मैच खेले हैं, क्लियर, उस पर रिकॉर्ड देखो, टेस्ट मैच हो या कोई भी फॉर्मेट हो, यहां देखो रन देखो क्या जबरदस्त बन रहे हैं, 132 रन बन रहे हैं, ठीक है 79 रन बन रहे हैं, हर फॉर्मेट पे अच्छा खेलती है दोस्तों। वुमेन आईपीएल 10 मैच 16 विकेट 30 का एवरेज, मतलब हर मैच में 1.6 विकेट्स मिल रहे हैं और 30 रन भी बना रही है, मस्ट पिक है लेकर चलना है। नटालिया साइवरबर्ट 7-23-25-77-1, यहां देखो 0-2-1-1, रीसेंट खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड है दोस्तों इनके, आईपीएल पे 10 मैच में 66 का एवरेज है, 10 विकेट है दोस्तों, हेड टू हेड 3 मैच में 83 का एवरेज है, और क्या चाहिए, मस्ट पिक है दोस्तों, लेकर चलना ही है, ड्रॉप नहीं करना है। हेले मैथ्यू नटालिया साइवा मस्ट पिक प्लेयर रहेगी आप लोगों के लिए। अमेलिया कर की अगर मैं बात करूं, 3-70-61-2-35-3 विकेट, ध्यान रखिएगा ये सब इनके रीसेंट फॉर्म बता रहे हैं, मतलब जो इन्होंने रीसेंट मैचेस खेले गए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए प्लेयर किस फॉर्म पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वुमेन आईपीएल 10 मैच 37 का एवरेज 15 विकेट, हेड टू हेड 3 मैच 22 का एवरेज 2 विकेट, मस्ट पिक चॉइस अमेलिया कर, हेले मैथ्यू नटालिया साइवर अमेलिया कर, तीनों गेम चेंजर प्लेयर है, तीनों आप लोगों की टीम पे एज अ फिक्स प्लेयर होना चाहिए। एलिस कैप्सी की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 3 रन 1 विकेट 9 रन 1 विकेट 25 रन 7 रन, वुमेन आईपीएल 8 मैच 26 का एवरेज 6 विकेट, हेड टू हेड 3 मैच 22 का एवरेज 1 विकेट,
मस्ट पिक प्लेयर रहेगी, इन्हें भी लेकर चलना है। मारिजाना का इससे बढ़िया प्लेयर मिलता ही नहीं है दोस्तों। 9 मैच 44 का एवरेज, 9 विकेट, क्लियर। रिसेंटली भी 26 रन बनाए, 1 विकेट, 20 रन, 1 विकेट, 75 रन, ठीक है। रीसेंट मैचेस जो खेले उस पे रन बनाकर आ रही है, ठीक है। ओडीआई के फॉर्मेट्स पे रन बनाया है, देखो अच्छे खासे रन बनाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे प्लेयर रन बनाकर आ रहे हैं, स्पेशली हेले मैथ्यू ने तो तबाही मचा रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खेले गए रीसेंट मैचेस पे मारिजाना का मस्ट पिक प्लेयर लेकर ही चलना है, फिक्स प्लेयर। एनाबेला सदरलैंड, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। मीनू मानी आईपीएल में 3 मैच, 1 का एवरेज, विकेट्स नहीं है, यहां भी विकेट्स नहीं है, बॉलिंग कम करेगी, आईपीएल में ड्रॉप करके चलना है। अब यहां पर आप लोगों के पास एनाबेला सतरलैंड के साथ एक और प्लेयर आती है, जेस जोनासन, ठीक है, जो कि खेल सकती है, अभी मुझे पता नहीं खेलेगी नहीं खेलेगी, तो यहां से इसे भी लेकर चलना दोस्तों। एनाबेला सतरलैंड होगी, जेस जोनासन होगी, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे तो लगता है ऑलराउंडर वाला सेक्शन ना, मीनू मानी को ड्रॉप कर दो, बाकी सारे प्लेयर्स को पिक कर दो। कैप्टन वाइस कैप्टन हेले मैथ्यू, सीवीसी की अच्छी कंटेंडर। मारिजाना का सीवीसी की अच्छी कंटेंडर। नटालिया साइवर ब्रंट सीवीसी की अच्छी कंटेंडर। मतलब मैं बोल रहा हूं ये 6 के 6 प्लेयर को आप लोगों ने आंख बंद करके अपने टीम पर लेकर चलना है। 3 प्लेयर दे रहा हूं सीवीसी के, मारिजाना का, हेले मैथ्यू और नटालिया साइवर, इन तीनों में ही आप लोगों को सीवीसी मिल जाएगा इस मैच का, सिंपल सा रूल है, क्लियर। तो अभी तक क्या हुआ, 1 प्लेयर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे, 2 प्लेयर वहां पर, 6 प्लेयर यहां पे, 6, 3, 9 प्लेयर हो गए हमारे, मतलब बॉलिंग वाले सेक्शन से 2 प्लेयर के ऑप्शन है, कौन कौन से रहेंगे ध्यान दो उस बात को। गिव अवे का क्वेश्चन भी सुन लो, 50,000 रुपए जीत सकते हो, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बताना हेले मैथ्यू दोस्तों इस मैच में कितना रन बनाएगी और उसके बॉलिंग का क्या एवरेज रहने वाला है, क्लियर। अगर आप लोगों को लगता है कि हेले मैथ्यू इस मैच पे से 40 रन बनाएगी और 1 विकेट निकालेगी, 18 रन देखे, तो ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। सही जवाब आप लोगों को 50,000 रुपए का कैश अवार्ड विन करा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों पूजा वत्सराकर की अगर मैं बात करूं, आईपीएल वुमेन आईपीएल पे ज्यादा इन्होंने बॉलिंग नहीं किया था लास्ट ईयर, 7 मैच में 2 ही विकेट थे। रिसेंटली बॉलिंग कर कर आ रही है बट स्टिल ड्रॉप। शाइका इसक, ये प्लेयर चमकी थी लास्ट टाइम, क्लियर, वुमेन आईपीएल पे ये प्लेयर चमकी थी, 10 मैच में इन्होंने 15 विकेट निकाले थे। ब्लैक सॉइल का पिच होगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, इनके आगे इंपॉर्टेंट लिख के रखिएगा। मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो ईशी वोंग भी एक अच्छी चॉइस रहती है दोस्तों। 10 मैच में इनके भी 15 विकेट है, हेड टू हेड 3 मैच में 6 विकेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जिंती मानी कालिता इन्हें ड्रॉप करना है, 10 मैच में 1 ही विकेट थे, सीधा सीधा ड्रॉप है। दिल्ली वुमेन की टीम पे आप लोगों को शिखा पांडे दिखेंगी, 9 मैच में 10 विकेट थे इनके, ठीक है, और रीसेंट फॉर्म पे विकेट इतने नहीं मिलाए हैं। तीता साधु, इनकी अगर मैं बात करूं ना, ये गेम चेंजर है, लिख के ले लो, गेम चेंजर प्लेयर बन सकती है, क्लियर, गेम चेंजर ढूंढ रहे होंगे ना, तो ये वो गेम चेंजर प्लेयर बन सकती है। इंटरनेशनल 7 मैच पे 8 विकेट है दोस्तों, अच्छी बॉलिंग करती है, विकेट टेकर है। ब्लैक सॉइल का पिच रहा, राधा यादव भी अच्छा कर सकती है, लास्ट आईपीएल बहुत खराब गया था इनका, 9 मैच में सिर्फ 4 ही विकेट थे, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0-0-1, इन्हें भी आप लोग कंसीडर करके चल सकते हो। टीटा साधु हो गया गेम चेंजर प्लेयर, कोई नहीं लेकर आएगा मुझसे पूछ लो अभी, बट अगर लेकर जाओगे मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई कीजिएगा ना इन सारे प्लेयर्स को, वरना यहां पर आप लोग किसे ट्राई कर सकते हो, यहां पर आप लोग शाइका इशक को ट्राई कर सकते हो। मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आई तो ईशी वोंग को ट्राई कर सकते हो, वरना अगर आप लोगों की दिल्ली वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग करने आती है तो तीतस साधु या शिखा पांडे में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिए। अभी के टाइम पे सेफ साइड की टीम दिखा रहा हूं, मेगा ग्रैंड लीग की टीम टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर करूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर यास्तिका भाटिया, मैकलेनिंग, हरमनप्रीत कौर, शिफाली वर्मा, हेले मैथ्यू, नटालिया साइवर ब्रंट, मारिजाना काप, एमेलिया कर, एनाबेला सतरलैंड, एलिस कैप्सी, सारे 6 के 6 फिक्स प्लेयर है ये मेरे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इन दोनों में से एक मेगा ग्रैंड लीग पे। यहां पर मैंने ईशा वोंग रखा है और मैंने आप लोगों को यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं,
कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से एक को रखना है और यहां के चार ऑप्शन को रोटेट करना है। मेगा ग्रैंड लीग की टीम तैयार आप लोगों की, स्मॉल लीग की जो मेरी फाइनल टीम होगी, क्योंकि एक बार मैं पिच को सुनना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, किस ट्रैक पे मैच हो रहा है वो पता होना बहुत जरूरी है। ब्लैक सॉइल की पिच होगी, टीम पर चेंज करेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्लियर। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।